हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं दोस्तों, आपके लिए वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो में मैं उत्तराखंड के जो राशन कार्ड जो होते हैं दोस्तों, उस राशन कार्ड में कभी ना कभी आप जो कोई नाम जो उसमें अपडेट कराते हैं, लेकिन आपको अपडेट कराने के बाद काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं कि वो नाम अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है दोस्तों। दोस्तों अगर आप अपडेट हुआ है या आप राशन कार्ड अपना डाउनलोड करना चाहते हैं उत्तराखंड के लिए, तो दोस्तों कैसे आप डाउनलोड करेंगे, इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त अंकुर और आप मेरा चैनल देख रहे हैं दोस्तों ज्ञान मंडल। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन जानकारी जो है वो आपको मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले जाके सारा डिटेल वहीं पर बताने वाला हूँ, कैसे आपको जो है अपना जो नाम जो अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। स्क्रीन में आने के बाद सबसे पहले आपको ओपन करना है गूगल क्रोम। इसमें से गूगल क्रोम में लिखना है दोस्तों आपको उत्तराखंड राशन कार्ड, जैसे कि मैंने लिख रखा है दोस्तों उत्तराखंड राशन कार्ड। इसमें से लिखने के बाद आपको सबसे पहला लिंक है जो उसमें क्लिक करना है दोस्तों। ऊपर सबसे पहले लिंक आ जाएगा उत्तराखंड गवर्नमेंट पोर्टल दिखे दोस्तों, ठीक है, fcs.uk.gov.in। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले राशन कार्ड वाले में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ये पेज ऐसे एक ओपन हो जाएगा आपके सामने। ओपन होने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में आपको राशन कार्ड डिटेल्स वाले ऑप्शन में जाना है दोस्तों। जैसे आप राशन कार्ड डिटेल वाले ऑप्शन में जाएंगे आपके पास नया पेज खुलेगा, इसमें कैप्चा भरने को कहेगा, तो आप ये देख के कैप्चा भर दीजिए दोस्तों JXPY। करने के बाद हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं दोस्तों। ओह कैप्चा गलत हो गया है, दोबारा कर लेते हैं FARSJ। इसको दोस्तों हम वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद देखिए उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आपको करना क्या, सिंपली होम वाले बटन पे क्लिक कर देना। देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड जो ऊपर की तरफ होम वाला एक बटन दिख रहा है आपको। जैसे होम वाले बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, थोड़ा टाइम लेगा इस पेज में, ठीक है दोस्तों। उसके लिए मैं बता देता हूँ कि ये दोस्तों आप जैसे कोई राशन कार्ड अपडेट करते हैं, जब तक ये पेज खुल रहा है मैं ये सब बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे आप कोई राशन कार्ड अपडेट करते हैं आपको पता नहीं चलता है कि उसमें अपडेट हुआ है नहीं हुआ है। आपको अगर राशन कार्ड अपना नंबर पता है दोस्तों, आपको डाउनलोड नहीं है या आपको मिला नहीं है राशन कार्ड, तो कैसे आपका राशन कार्ड डाउनलोड कर लेंगे इसके बारे में भी आपको पता चल जाए। देखिए ये पेज जैसे ही ओपन हो जाएगा दोस्तों आपके सामने, जैसे ही पूरा प्रोसेस हो जाएगा पेज आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा। सिंपली इस पेज को ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर जो सर्विस है वो दिख रही है, कौन कौन सा सर्विस है। हमें सिंपली ये अपना राशन कार्ड डाउनलोड करना है या अपडेट चेक करना है डाउनलोड करके उसमें क्या क्या हुआ है नहीं है। देखिए इसमें लिखा है नो योर राशन कार्ड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर नो योर राशन कार्ड में जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेज में फिर कैप्चा मांगेगा हम PEXYK। देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जैसे ही अब पेज हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद जैसे कैप्चा भर के, तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन खुल गया अपने सामने, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया आपके सामने राशन कार्ड नंबर। तो दोस्तों आपका जो भी ऑनलाइन राशन कार्ड जो नंबर होगा यहाँ पे दोस्तों डाल देना उसको। जैसे कि मेरा ऑनलाइन राशन कार्ड नंबर है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। डालने के बाद जब व्यू रिपोर्ट में करूँगा दोस्तों, कुछ समय लोडिंग लेगा, जैसे 1-2 सेकंड के लिए लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के तुरंत बाद दोस्तों आपका जो राशन कार्ड है ऐसे दिख जाएगा दोस्तों। देखिए मेरा जो राशन कार्ड है वो मैं यहाँ से फिलहाल मैं इसको पूरा नहीं दिखा सकता आपको, मैं इसको ऐसे आपको जानकारी के लिए दिखा दूँ। ऐसे ऐसे प्रोसेस में आपको दिख जाएगा आपका राशन कार्ड, देखिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ऐसे आप राशन कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं और अपना चेक भी कर सकते हैं उसमें नाम अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें दोस्तों मैंने अपनी वाइफ का जो नाम है वो अपडेट कराया था और इसमें जो नाम है वो दोस्तों अपडेट हो चुका है। तो चलिए बस आज की वीडियो में इतने। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट का, आपके काम का है या नहीं। धन्यवाद।